प्रिय शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मिडलाइन आकलन 2021-22 में परियोजना कार्य जो दिया गया है, आज हम कक्षा छठवीं के हिंदी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर समय एक सप्ताह दिया गया है, पूर्णांक 10 नंबर का रहेगा। यहाँ पर निर्देश है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, भली भांति इसको समझ लीजिएगा। इसमें दो परियोजना कार्य बच्चों को देना है और प्रत्येक परियोजना कार्य 5 अंक का होगा, इस प्रकार यह 10 अंक का होगा। परियोजना कार्य करने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय देना है और शिक्षक आवश्यक अनुसार बच्चों को मार्गदर्शन दे और सभी बच्चों के परियोजना कार्य को कक्षा में संधारित करें। परियोजना कार्य का प्रस्तुतिकरण कक्षा में करवाएं और परियोजना कार्य व्यक्तिगत या समूह में भी दिया जा सकता है। पहला प्रश्न दिया है, अपने बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में अपने गाँव या आसपास के प्रचलित कोई एक लोक कथा लिखिए, यह आपकी पुस्तक में ना हो। ऐसी लोक कथा को लिखना है और इसका आंसर यहाँ पर इस तरह से आपको बनाना है। ये आंसर वाला है, कक्षा छठवीं का है और विषय हिंदी और समझ एक सप्ताह। यहाँ पर अपने दादा दादी से जो भी है उनके अपने क्षेत्र के लोक कथा के बारे में इसमें लिखना है। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, बागवानी या कृषि कार्य में उपयोग होने वाली हिंदी किन्हीं 5 उपकरणों के नाम लिखिए व उनके चित्र बनाइए, वे कृषि अथवा बागवानी के किस कार्य में प्रयुक्त होते हैं लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है, देखिए उत्तर 2, यहाँ पर उत्तर 2 लिखना है, प्रश्न 2 प्रिंट हो चुका है। बागवानी या कृषि कार्य में उपयोग होने वाले उपकरण के नाम, यहाँ पर क्रमांक 4 कॉलम बना लेना है। उपकरण का नाम है, चित्र है और उपयोग है। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है हल, ये हल का चित्र हो गया। और 21 काम आता है, खेत की जुताई की जाती है। दूसरा है कुदाली, कुदाली का चित्र हो गया। यहाँ पर बनाएंगे बच्चे यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट में, इसको पेंसिल से या कलर पेंसिल से इसको पूर्ण करेंगे। और यह किस काम आता है, खेत को खोदने के लिए उपयोग आता है। इसके प्रकार तीसरा है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का ये चित्र है और ये पेड़ अथवा खरपतवार को काटने या साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है हंसिया, ये हंसिया हो गया और ये फसल काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात है बैलगाड़ी, ये बैलगाड़ी का चित्र है और बच्चे इस पर चित्र बनाएंगे। और ये किस काम आता है, धान या सामान ढोने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। इस तरह से यह 2 प्रश्न हुआ। बच्चे चाहे तो इन दोनों प्रश्न को बना सकते हैं और तीसरा को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट में बताया गया है कि 2 ही प्रश्न लिखना है जो कि 5-5 नंबर का होगा। यदि इनमें से यदि एक प्रश्न आपसे नहीं बनता है तो आप तीसरे प्रश्न का चयन कर सकते हैं। उत्तर 3, मेरे पसंदीदा का कार्टून मोटू पतलू है। मोटू अधिक समोसा खाता है, जो मुझे भी बहुत पसंद है। पतलू बहुत तेज दिमाग वाला है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके पश्चात यहाँ पर उसका कार्टून बनाना है, जो आपका पसंदीदा कार्टून है। इस तरह से यह हिंदी विषय का प्रोजेक्ट वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है। इन तीनों में से आपको सिर्फ 2 ही प्रश्नों के उत्तर इसमें शामिल करना है, लिखना है। तो इस प्रकार से आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।